What is up guys? iPhone 12 तो यार सितंबर में लॉन्च हुआ नहीं और ये बात हम सबको पता थी कि अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है और डेट जो है वो आ चुकी है कि कब हमारा iPhone 12 लॉन्च होगा। ये डेट आज इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा और iPhone 12 के कुछ ऐसे खतरनाक लीक्स निकल के आ रहे हैं यार, मतलब खतरनाक वाले लीक्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आज इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे। और एक iPhone 12 मिनी के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यू रूमर्स आ रहे हैं कि भाई एक iPhone 12 जो है उसका नाम iPhone 12 मिनी रखा जाएगा इस बार, जो कि एक फोर्थ iPhone होगा। हर साल के लाइनअप से थोड़ा अलग, क्योंकि हर बार 3 आईफोन लॉन्च होते थे, इस बार 4 आईफोन लॉन्च होंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आज इसी बारे में सारी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त युष, आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग। चलिए गाइस, तो गाइस iPhone 12 की प्राइसिंग और लॉन्च डेट तो यार हम सबको जाननी है, हमें सबको पता करना है कि कितना प्राइस होगा हमारा iPhone 12 की पूरी सीरीज का और कब होंगे लॉन्च। तो गाइस दोनों ही चीज़ें वीडियो में मैं बताऊंगा, देखते रहना पूरा। तो पहले बात कर लेते हैं iPhone 12 मिनी के बारे में। iPad मिनी तो सुना था यार, iPhone 12 मिनी क्या है? तो गाइस जो सबसे ज़्यादा छोटा वेरियंट था, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज वाला वेरियंट इस बार लॉन्च होना था, उसका नाम iPhone 12 मिनी र्यूमर हुआ है। ट्विटर लीकर की तरफ से हमारे पास एक स्टिकर आया है पर iPhone 12 की पूरी सीरीज के जो सिलिकन केस स्टिकर्स, उन पर नाम लिखा है iPhone 12 मिनी, iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max। तो एक iPhone 12 मिनी यहाँ पर र्यूमर हुआ है, तो तभी से ज़्यादा खबर फैल चुकी है हर जगह कि एक iPhone 12 मिनी के नाम से हमें एक iPhone 12 का वेरिएंट देखने को मिल सकता है। तो 5.4 इंचेस का ये एक वेरिएंट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो सकता है हम जैसों के लिए। तो iPhone 12 मिनी के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस एक और जो बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला लीक निकल के आ रहा है वो ये है कि iPhone 12 के अंदर जो प्रो वाले वेरिएंट होंगे उनमें मैग्नेटिक कोइल एक लगी हुई आएगी, जो कि यूज़ होगी वायरलेस चार्जिंग के लिए और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग के लिए, यानी कि आप अपने एयरपोड्स को, एयरपोड्स प्रो या फिर और एप्पल वॉच को चार्ज कर सकते हो डायरेक्टली, रिवर्सली वायरलेस चार्ज कर सकते हो अपने आईफोन से। तो देखते हैं कि ये चीज़ कितने हद तक सही जाती है, लेकिन हाँ एक मैग्नेटिक कोइल का र्यूमर बहुत पहले से निकल के आ रहा है, तो हो सकता है ये सही भी हो जाए, लेकिन आएगा सिर्फ प्रो वाले वेरिएंट के लिए, मतलब जो अफोर्डेबल वर्जन है उनके लिए शायद हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिल पाएगी। तो गाइस बहुत टाइम से एक र्यूमर आ रहा था कि यार 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट हमें शायद आईफोन 12 के अंदर देखने को मिल सकता है, आईफोन 12 की सीरीज के अंदर, क्योंकि ओलेड तो होंगी सारी डिस्प्लेज, लेकिन 120 हर्ट्ज़ का अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि मैक र्यूमर्स की तरफ से अभी एक रिपोर्ट निकल के आई है कि शायद इस बार के प्रो वाले वेरिएंट जो कि 120 हर्ट्ज़ प्रो डिस्प्ले, प्रो एक्सडीआर डिस्प्ले को सपोर्ट कर रहे थे, शायद इस बार हमें 120 हर्ट्ज़ नहीं मिल पाएगी। तो पता नहीं कितने हद तक ये बात सही जाएगी, तो अक्टूबर को हमें, मतलब जो लॉन्च इवेंट है तब हमें पता चल जाएगा सारी बातें, तो उसकी टेंशन हमें लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो गाइस एक बात तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि इस बार के iPhone 12 के अंदर ना ही चार्जर मिलेगा हमें, ना ही मिलेगी मतलब केबल, ना ही हमें ईयरपोड्स मिलने वाले हैं, लेकिन अब एक बहुत ही खतरनाक वाला र्यूमर निकल के आया है कि यार इस बार हमें चार्जर और ईयरपोड्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें चार्जिंग केबल ज़रूर मिल सकती है, जो कि 12 प्रो वाले वेरिएंट्स जो होंगे उनके साथ हमें ब्रेडेड वाली केबल मिलेगी, जो कि USB-C टू लाइटनिंग होगी, और ब्रेडेड वाली केबल की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी, यानी कि जो पहले केबल के साथ डैमेज हो जाते थे वो शायद इस बार हमें नहीं मिलेंगे। तो केबल ब्रेडेड वाली मिल सकती है प्रो वाले वेरिएंट के साथ, लेकिन जो दूसरे वेरिएंट है जो अफोर्डेबल है उनके साथ हमें वही प्लास्टिक वाली केबल देखने को मिलेगी, USB-A टू लाइटनिंग वाली। तो गाइस अब आ जाते हैं लॉन्च डेट की तरफ, जिसका इंतजार आप बहुत देर से कर रहे थे। तो गाइस लॉन्च डेट जो फाइनल हुई है वो है 13 अक्टूबर इसी साल। तो आप गूगल भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में हर वेबसाइट बता रही है कि 13 अक्टूबर को ही हमारा iPhone 12 लॉन्च होगा, तो इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। तो हमें हमारे iPhone लाइनअप के साथ शायद AirTags जो कि सितंबर में लॉन्च होने वाले थे लेकिन इस बार लॉन्च नहीं हो पाए, तो हो सकता है अक्टूबर में हमें AirTags भी मिल जाए iPhone सीरीज के साथ, और AirPower मिल सकता है देखने को, जो कि Apple की तरफ से वायरलेस चार्जिंग डिवाइस है, और AirPods Studio जो कि एक ओवर द ईयर हेडफोन है, शायद वो भी हमें इसी इवेंट में देखने को मिल जाए। लेकिन अभी AirPods Studio के कई र्यूमर्स आ रहे हैं कि उनका कन्फर्म नहीं है कि वो इसी इवेंट में लॉन्च होंगे, लेकिन अगर वो इस इवेंट में लॉन्च नहीं होते तो मे बी नवंबर में जब MacBook Pro का MacBook की लाइनअप जो लॉन्च होगी उसके एक और इवेंट होगा नवंबर में, तो हो सकता है उसमें हमें AirPods Studio देखने को मिल जाए। तो गाइस अब आ जाते हैं प्राइसिंग के ऊपर कि यार हमारी प्राइसिंग कितने होने वाली है iPhone 12 सीरीज की। तो गाइस iPhone 12 जो कि 5.4 इंच वाला वेरिएंट है जिसका नाम iPhone 12 मिनी र्यूमर हो रहा है, उसकी प्राइसिंग $649 हो सकती है। तो अगर आप इसे इंडियन प्राइसिंग में कन्वर्ट करें तो आप डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि Apple के पिछले जितने भी लाइनअप है, जितने प्रोडक्ट्स है, सारे 100 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होकर आते हैं, टैक्सेस और
हर चीज को कन्वर्ट करने के बाद 100 रुपीज का एक डॉलर मिल जाता है हमें एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए। वैसे डॉलर का प्राइस अलग है, उसको कंसीडर हम नहीं कर रहे। तो 100 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 65,000 रुपीज का प्राइस हमें आईफोन 12 मिनी का देखने को मिल जाएगा। iPhone 12 6.1 इंचेस वाला जो कि सिंपल iPhone 12 है वो $749 का हमें मिल सकता है, यानी कि 75,000 का इंडिया में। और जो iPhone 12 Pro है 6.1 इंचेस वाला वो होगा $999 का, और iPhone 12 Pro Max जो कि सबसे बड़े वाला iPhone होता है वो होगा $1,099 का, यानी कि 1,00,000 का iPhone 12 Pro और iPhone 12 Pro Max होगा 1,10,000 के आसपास, जो कि शुरुआती रेंज होती है 64GB वाले वेरिएंट की, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये थी कुछ प्राइसिंग, इनसे थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है प्राइसिंग, क्योंकि दूसरे लीक्स की तरफ से $50 का इंक्रीज आया हुआ है सारी प्राइसिंग में, यानी कि iPhone 12 mini हो चुका है $700 का, 12 Max $800 का। तो ऐसे $50 का आप मान के चलिए कि रेशियो रह सकता है, इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये फाइनल प्राइसिंग नहीं है, वो हमें अक्टूबर के इवेंट में ही पता चलेगी 13 अक्टूबर को। तो गाइज ये थी लीक्ड प्राइसिंग, इसे आप कंफर्म मत मानना और कमेंट सेक्शन में यू मत कहना कि भाई हमने तो सुना था 70,000 का होगा, हमने तो सुना था 50,000 का होगा। तो गाइज ये लीक्स के ऊपर होती है, कंफर्म नहीं होती, कंफर्म हमें 13 अक्टूबर को ही पता चलेगी। तो तब तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आईफोन 12 पर और भी काफी सारे लीक्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।